हे गाइस, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक और नई वीडियो पे। और आज का वीडियो का टॉपिक थंबनेल टाइटल आप देख के समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो पे अपन लोग क्या बात करने वाले। तो आज इस वीडियो पे अपन लोग बात करने वाले कि ये ट्रेंडिंग स्काई जो आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, ये वाला वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल कैसे होने वाला है। यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स पे ये जो वीडियो है बहुत ही ट्रेंड चला आ रहा है। आपको कैसे ट्रेंड को पकड़ना है इंस्टाग्राम पर, उसको जिससे कि आपका इंस्टाग्राम रील भी वायरल होगा। तो इसलिए आपको मैं यहाँ पर मैं अपने चैनल पे ट्रेंडिंग एडिटिंग ट्यूटोरियल डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको मदद हो इंस्टाग्राम रील वायरल करवाने का। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहेगी। और दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत ही इजीएस्ट ट्यूटोरियल मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, जिससे कि आप बहुत ही इजी तरीके से अपना वीडियो को एडिट करके अपलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम रील्स पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के, तो चलते अपने मोबाइल स्क्रीन तरफ। तो दोस्तों, ये वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है VN एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आपको यकीन हो तो मैं आपको प्ले स्टोर को ओपन करके ये VN एप्लीकेशन को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं VN एप्लीकेशन में जैसे ही लिखता हूँ, यहाँ पर मेरा ये VN एप्लीकेशन है, 4.5 का रेटिंग है। आपको इसे खोल लेना, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अपडेट मांग रहा, तो इजिली मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने से क्या हो कि आपका जितना इफेक्ट है, और आप बहुत ही इसमें इफेक्ट्स ऐड होते रहता है दिन पर दिन, महीना पर महीना। तो मैंने यहाँ पर बहुत दिन से अपडेट नहीं किया था इस VN एप्लीकेशन को, तो जल्दी से मैं इस VN एप्लीकेशन को अपडेट कर लेता हूँ। और अपडेट करने के बाद आपको बता दूँ कि कैसे ये वाला होने वाला एडिटिंग वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल आपको इसी एप्लीकेशन से होने वाला। तो जल्दी जाओ, सबसे पहले आप VN एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया अपने फ़ोन पे, तो जल्दी से VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने आपको बता रहा हूँ वैसा करो, तो आपका भी ये वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल बहुत ही ईजी तरीका से एडिट हो जाने वाला है। तो इसे ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद आपको एक वीडियो को शूट करना है जो कि आपको आसमान दिखे और आप भी दिखो उस पे, मतलब कि 50-50% पे आपको वीडियो को शूट करना। तो दोस्तों, वीडियो शूट कैसे करना वो भी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का वीडियो को शूट करना है। तो आप देख सकते हो मेरे डिस्प्ले पे स्क्रीन पे शो रहा होगा, यहाँ पर मैं भी हूँ, और ऊपर पे आसमान ज़्यादा दिख रहा है, और नीचे पे आपको मतलब कि ऊपर में 60%, नीचे 40% है, 35%। तो आपको कुछ इस तरह का वीडियो को शूट करना है, जिससे कि आपका जो बादल ऊपर से क्रॉस करे तो बहुत ही बेहतरीन आपका वीडियो लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा वीडियो तो बहुत ही लंबा है, 1 मिनट का वीडियो, तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को स्प्लिट करता हूँ। मेरा ये वीडियो स्लोमो है, तो यहाँ पर मैं आपको कितना भी रख सकते हो आपका ड्यूरेशन है, आपको मैं डेमो करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे रखना है। अगर आप कुछ इस टाइप का वीडियो को एडिट करना चाहते हो, इस टाइप का रील्स वीडियो को एडिट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मैं इजी स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई ज़्यादा का झमेला नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो रील वीडियो एडिटिंग करना है, इस तरह का रील वीडियो एडिटिंग करना है, आगे पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ फंड से लिखाता है, यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो ये ऐसा वीडियो एडिटिंग करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो ये रील वीडियो को सबसे पहले कॉपी लिंक करना है। और कॉपी लिंक करने के बाद आपको क्या करना, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद न्यू टैब पे जाना है, और न्यू टैब पे यहाँ पर आपको रील्स डाउनलोड लिखना है, ठीक है, रील्स डाउनलोड। और रील्स डाउनलोड लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो वाला कॉपी लिंक जो कि वहाँ पेस्ट करके सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद दोस्तों आपको ये रील को डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन पे, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक किया और डाउनलोड का ऑप्शन आया, ये आपको गैलरी पे डाउनलोड हो जाना है रील। ये काम कब आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो चलिए आप चलते एडिटिंग की ओर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से आ गया हूँ अपने एडिटिंग की ओर, और यहाँ पर आपको जितना भी ड्यूरेशन रखना है अपने वीडियो का, तो आप इजिली रख सकते हो। तो आपको रखना कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका वीडियो लगभग मान के चलो, अगर आप ये रील वीडियो एडिट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप ड्यूरेशन यहाँ पर क्लिक करके आपका साउंड का ड्यूरेशन आप यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आप ड्यूरेशन देख सकते हो, 22 से स्टार्ट हो रहा है और 52 पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि 30 सेकेंड का साउंड का ड्यूरेशन है यहाँ पर आपको। तो अपना आप वीडियो को 30 सेकेंड तक रख सकते हो एडिटिंग करते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कितना सेकेंड रखता हूँ, यहाँ पर लगभग मैं
16 सेकंड या 18 सेकंड रखता हूँ ना, तो फिर आपको 30 सेकंड रखना है। तो आपको जो वीडियो है जो आप डाउनलोड की हो अपने वहाँ पर जो रील्स डाउनलोड में आपको करवाया, तो यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। टैप करने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद जो ये 13 सेकंड का वीडियो है इसे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लू वाला आइकन पर टैप करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका वो वीडियो आ गया, ठीक है। आपको ऐसे एडिट करना है। यहाँ पर प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कब चेंज ले रहा है, तो यहाँ पर आपको चेंज ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर चेंज ले रहा है, तो यहाँ पर स्प्लिट करते हैं और ये वाला जो क्लिप है इसे डिलीट कर देते हैं। अब आपको यहाँ से आपका वीडियो आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट लगा सकते हो, प्लस वाले पे आइकन पर टैप करके वाइट लगा सकते हो, ब्लैक लगा सकते हो। तो यहाँ पर वाइट अच्छा लग रहा है, तो वाइट पर क्लिक करके जैसे जूम भी लगा सकते हो, ऐसे करके जूम भी लगा सकते हो। आप जूम भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत सारा जूम इन भी है, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे जूम इन भी है, वाइट भी है, तो यहाँ पर टिक कर देता हूँ। देख सकते हैं टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला इफेक्ट लग चुका है। फ्रेंड्स, आपको आप एडिटिंग कैसे करना है, यहाँ पर बादल कैसे लाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जो बादल का वीडियो ऊपर पे आप ऐड करने वाले हो, वो वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐसे करना है, और ऐसे करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, इधर इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये रहा बादल वाला आइकन, यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको इसे करना है जूम, ठीक है। आपको जूम कर लेना है, आपको पूरा जितना आपका आसमान है उतना जूम कर लेना है। देख सकते हैं मेरा यहाँ पर जूम हो गया मेरा, ठीक है। और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर इसी क्लिप को टैप करके आपको यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्रॉप कर देना, थोड़ा जूम करो, क्योंकि आपको नीचे पर जो दिख रहा है ना ये ब्लैक ब्लैक पहाड़, वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसे जूम करके टिक पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आपका पहाड़ गायब हो गया, और गायब होने के बाद आपको यहाँ पर आपका बादल तक ही लाना है, ठीक है। बादल तक ही लाना है, बादल के नीचे नहीं लाना है, क्योंकि आपका पेड़ पौधा भी है, पेड़ पौधा भी छुपे नहीं, ठीक है। तो आपको बादल तक ले आना है। बादल तक लाने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ तक आपको वीडियो आ गया, आप देख सकते हो यहाँ तक आपका वीडियो आ गया। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इस क्लिप को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको इधर चले जाना है, और इधर जाने के बाद आपको यहाँ पर मास्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मास्क पर क्लिक करना है। और मास्क पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लीनियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसलिए लीनियर पर क्लिक करो। और लीनियर पर क्लिक करने के बाद आपको ये डॉट को नीचे लाना, देख सकते हैं इसे आपको यहाँ तक लाना है। यहाँ तक लाने के बाद आपको इसे हल्का सा नीचे करना है। तो दोस्तों आपको लीनियर पे टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का सेटिंग करना है। यहाँ पर आपका जो बादल है आपको देख सकते हैं ऊपर ले जा रहा, तो बादल गायब हो जा रहा है। आपको नीचे लाना है तो बादल आ जा रहा है। तो आपको कुछ इस तरह का ले जाना है, और लाने के बाद आपको कुछ इस तरह का देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे करे तो बादल डार्क हो जा रहा है, और थोड़ा सा नीचे करे तो बादल का फ्रिक्वेंसी कम हो जा रहा है। तो आपको हल्का सा नीचे करना है, और ऐसे ला के सेटिंग कर देना अपने फ़ोन पे, ठीक है। इतना तक ला के सेटिंग करना, और टिक पे क्लिक करना। आपको इतना काम हो गया, और इतना काम होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपका बादल ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने इस वीडियो पे क्लिक करना, जो कि आपका ओरिजिनल वीडियो है, वहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डुप्लीकेट करना है। यहाँ पर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करने के बाद प्लस वाला आइकन पर डुप्लीकेट कर देना है। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे ही डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे आपको दो क्लिप मिल जाएगा, देख सकते हैं ये वीडियो और ये वीडियो सेम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो वीडियो ऐसे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको इधर चले जाना है, और इधर जाने के बाद आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। आप जैसे ही फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे आपका वीडियो हो जाएगा लेयर पे कन्वर्ट, ठीक है। अब आपको देख सकते हैं ये जो वीडियो है इसे क्लिक करना, और क्लिक करके आपको साइड ले जाना है। कहाँ ले जाना है, आपको जो वीडियो है उसी के ऊपर, वीडियो के ऊपर ही ले जाना, सेम टू सेम ऊपर ले जाना। इसे मैं साइड करता हूँ, और साइड करके मैं इस वीडियो के ऊपर ले जाता हूँ। तो देख सकते हो ऊपर में मैं ये वाला क्लिप को ले आया हूँ, और इसे टैप करना। और टैप करने के बाद आपको क्या करना, आपको नीचे पे फिल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो फिल पे क्लिक करना है। फिल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पूरा एज इट इज़ दोनों फिल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ये वीडियो है, ये क्लिप और ये क्लिप दोनों सेम हो जाएगा। ये लेयर पे है और ये आपका पीछे पे, ठीक है। और आपका ये जो बादल वाला ये बैकग्राउंड में है, ठीक है, इसके पीछे है। अब आपको क्या करना, आपको इजिली क्रोमा वाला यहाँ पर दिख जाएगा, क्रोमा का ऑप्शन, आपको इसे टैप करना है, और इस क्लिप को टैप करना है। और इस क्लिप को टैप करने के बाद आपको नीचे क्रोमा का ऑप्शन दिखेगा, तो क्रोमा पर टैप करना है। और क्रोमा पर टैप जैसे ही करोगे आपको यहाँ पर बादल दिख जाएगा, तो आपको बादल को इस तरह सेट करना है, ठीक है, कि आपका बादल दिखे। और आपको इसे इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, लगभग आपको 60 रखना है, और आपको नीचे पर 50 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग सेट हो गया है। देख सकते हो आपको यहाँ पर बादल दिखने लगा है, और आपका वीडियो भी प्ले हो रहा है। और ये आपका रहा बादल, बादल को भी आगे ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया सेट पूरा, ठीक है।
यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये वीडियो बन गया है। अब मैं आपको शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बादल वाला वीडियो बन गया है। यहाँ पर आपका बादल जितना दूर है उतना दूर देख सकते हैं। ये आपका वीडियो है, वीडियो क्लिप को आप इंक्रीज कर सकते हो जहाँ तक आपको ले जाना है। आपका बादल का जो ड्यूरेशन है वो 23 सेकंड है, आपको जितना दूर तक ले जाना आप यहाँ तक ले जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका बादल ऐसे करके रहेगा। आपको ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, आपको लगभग 15 सेकंड का वीडियो को एडिट करना है। आप चाहो तो 30 सेकंड का वीडियो तक एडिट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा आपको भी इसी तरह से बादल को एडिट करना है। अगर आप अच्छे से नजर नहीं आ रहे हो तो आपको क्या करना, आपको ये क्लिप को सिलेक्ट करना जो कि आप लेयर पे डाले हो उसे सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रोमा पे टैप करना है और आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको स्पीड को कम करना है, इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो आप यहाँ पर अच्छे दिखने लगोगे, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का सेटिंग करना है और टिक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको देख सकते हैं यहाँ पर मैं धुंधला रहा हूँ। तो फिर से मैं क्रोमा पर टैप करता हूँ और इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ, जितना हो सके 60 तक रखता हूँ इसे, और यहाँ पर क्रोमा को आगे पीछे करता हूँ और यहाँ पर स्पीड को हल्का सा इंक्रीज करता हूँ। देख सकते हैं मेरा यहाँ पर स्पीड को आप लगभग 26-28 तक रख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आपको जैसा मन हो, आपका डिपेंड करता है आपके वीडियो को क्वालिटी पे। जैसा आप वीडियो क्वालिटी दोगे आपको उस तरह स्पीड सेट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो मेरे 12 रखा हूँ, टिक पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वीडियो एडिट होकर रेडी हो गया। तो देख सकते हैं मेरा ये बादल ऊपर जा रहा है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो आप इस तरह का एडिटिंग कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर सूरज भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा है। अगर आपको ये बादल का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हो दोस्तों मैं आपको अलग अलग बादल का इफेक्ट दूं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये वीडियो को सेव कैसे करना है, आपको जितना देर तक आपको एडिट रखना है तो आप यहाँ पर नीचे रख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर आप यहाँ तक 18 है, 18 सेकंड तक मैं स्प्लिट करता हूँ और इसे डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद ब्लैक वाला को डिलीट कर देना। यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ तक वीडियो एडिट हो गया। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप एक्सपोर्ट जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पर टिक पे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा। आप इसलिए ये वाला वीडियो एक्सपोर्ट करके अपने रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि आपको कुछ अच्छा तरीका समझाना था। बाकी यूट्यूबर्स तो बहुत जल्दी जल्दी बोल के आगे बढ़ जाते हैं, बट आपको कुछ अच्छा तरीका समझाना था इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों। माइंड मत कर, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।